हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स देखिए, ग्रुप डी के बहुत सारे एस्पिरेंट जो है मेरे दूसरे चैनल पर जुड़े हुए हैं, बालाजी एजुकेशन के नाम से मेरा दूसरा चैनल है। तो बार बार स्टूडेंट का ये कमेंट आता है कि सर मंथ का नहीं पता लग रहा है कि किस मंथ में जो है ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, और मोटिवेशन हमें नहीं आ रहा है, पढ़ाई बिल्कुल भी जो है नहीं हो पा रही है, पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो काफ़ी सारे यहाँ पर स्टूडेंट के सवाल रहते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। हालांकि देखिए, फिलहाल की जो कंडीशन है, इस कंडीशन में कोई भी आपको एग्जैक्ट डेट के बारे में नहीं बता सकता है, लेकिन फिर भी हालात अभी देश में चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि लगभग किस मंथ तक आपका ग्रुप डी का एग्जाम जा सकता है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी यूजफुल वीडियोस देखने के लिए। देखिए, बात करते हैं आपका मई की। तो मई तो आपका लगभग पूरा खत्म हो चुका है, मई में कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, ना ही कोई आपको न्यूज मिली है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड। अब देखिए, नेक्स्ट मंथ आपका आएगा जून। अब पहले बात कर लेते हैं देश में हालात कैसे हैं। देखिए, देश में अगर हालातों की बात करें तो कहीं ना कहीं कोविड 19 का ग्राफ थोड़ा थोड़ा सा डाउन होना भी स्टार्ट हुआ है, लेकिन साथ ही आपकी जो एक दूसरी बीमारी आ गई है जिसका नाम ब्लैक फंगस है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा खतरा भी ब्लैक फंगस के कारण भी बन गया है। तो इस कंडीशन को अगर देखते हैं तो देखिए, कोविड 19 का ग्राफ थोड़ा सा डाउन जा रहा है। अब सारी चीज डिपेंड करती है आपकी वैक्सीनेशन प्रोसेस पर। देखिए, जितना ज्यादा वैक्सीनेशन होगा उतना ज्यादा आपकी जो है सरकारी काम यहां पर स्टार्ट होंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है फिलहाल कोविड 19 से बचने का। तो अगर आपका वैक्सीनेशन का प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट होता है तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो आपके एग्जाम है वो भी जल्द से जल्द कंडक्ट कराए जा सकते हैं। वैक्सीनेशन की अगर डिटेल में बात करते हैं तो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, अभी हाल ही में जो मुझे न्यूज मिली थी, यानी कि मैं न्यूज में देख रहा था, तो जून में जो है आपका वैक्सीनेशन का प्रोसेस इतना ज्यादा फास्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन अभी वैक्सीनेशन का इतना ज्यादा नहीं हो रहा है, और जब तक आपका वैक्सीनेशन नहीं होगा तब तक आपके जो एग्जाम्स है उसके बारे में कोई खास न्यूज आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहां पर मेरा मानना है कि जो आपका जून है इसमें थोड़ा थोड़ा सा वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्पीड पकड़ेगा, यानी कि जून लास्ट तक जो है आपका वैक्सीनेशन थोड़ा अच्छे लेवल पर हो सकता है, और उसके बाद देखिए अगर एग्जाम की मैं बात करूं तो जून में आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, कंडीशन हालांकि सुधर रही है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं सुधर रही है कि जून में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए। क्योंकि देखिए, अगर ग्रुप डी की मैं स्पेशल बात करूं तो करोड़ों अभ्यर्थी यहां पर एग्जाम देने जाएंगे, तो करोड़ों अभ्यर्थियों से कितना यहां पर जो है खतरा है कोविड 19 फैलने का, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो जून में तो आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, ये बात तो 100% श्योर है। लेकिन अगर बात करते हैं जुलाई की, देखिए कंडीशन अगर बेहतर हो जाती है, सारी चीज डिपेंड करती है कंडीशन पर, अगर कंडीशन में ऐसे ही सुधार आता है, वैक्सीनेशन की जो स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, केसेस आपके डाउन होते हैं, तो यहां पर देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि जुलाई में आपको जो है ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल सकते हैं किसी भी एग्जाम से। ऑफिशियल नोटिस, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका जो है जुलाई में एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा, लेकिन जुलाई में आपको नोटिसेस देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब है कि जून में आपका वैक्सीनेशन भी थोड़ा बेहतर हो गया, आपका जो ग्राफ है कोविड 19 का वो भी थोड़ा सा डाउन हो गया, तो जुलाई के स्टार्टिंग में यानी कि 15 जुलाई के आसपास तक आपको जो है यहाँ पर नोटिसेस देखने को मिलेंगे। अब देखिए, नोटिस की अगर बात करूँ तो सबसे पहले जो आपका नोटिस आएगा वो एनटीपीसी के 7th फेज के रिगार्डिंग आएगा, क्योंकि एनटीपीसी में मात्र एक ही फेज बचा हुआ है, उस फेज को जो है सबसे पहले कंडक्ट कराने की कोशिश करेंगे। उसके बाद दूसरी बात करूँ तो सीएचएसएल का जो एग्जाम है वो भी आपका बीच में अटका हुआ है, तो दूसरा नोटिस यहाँ पर आने की संभावना है सीएचएसएल के एग्जाम की। अब देखिए, क्योंकि दोनों ही एग्जाम जो है आपका टीसीएस कंपनी द्वारा ही कंडक्ट कराया जाएगा, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये एग्जाम आपके कंडक्ट होंगे तो इनके साथ आपका ग्रुप डी का तो एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका ग्रुप डी है वो आपका जुलाई में भी होना संभव नहीं है। अब देखिए, अगर आपके जो है ऑफिशियल नोटिस आ जाते हैं 15 से, तो एनटीपीसी और सीएचएसएल आपका स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एनटीपीसी और सीएचएसएल भी आपका लगभग यहां पर 15 अगस्त तक चलने वाला है, अगर कंडीशन सारी सही रहती है तब की मैं ये बात कर रहा हूं कि आपका जो एनटीपीसी और सीएचएसएल का एग्जाम है लगभग 15 अगस्त तक वो चलेगा, और इसमें आप लोग थोड़ा सा 5 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, आप लोग यहां पर मान सकते हैं कि 20 अगस्त तक आपका एग्जाम चल सकता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं ग्रुप डी की। जैसे आपका ये एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तभी आपका ग्रुप डी का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब ग्रुप डी के अगर एग्जाम की मैं बात करूँ, देखिए हालांकि पहले जो कंडीशन थी उसको देखते हुए लग रहा था कि अगस्त में शायद आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाए, लेकिन फिलहाल की कंडीशन को देखते हुए यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि अगस्त के लास्ट में जो है आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है ग्रुप डी के रिगार्डिंग। सिर्फ आपको क्या मिलेगी? न्यूज़ मिलेगी, कोई ऑफिशियल नोटिस आएगा, कोई सर्कुलर आएगा, या फिर कोई बयान आएगा हमारे रेल मंत्री द्वारा, या फिर जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा। तो अब देखिए, अब जो एक्सपेक्टेड मंथ है वो आपका सितंबर यहाँ पर लग रहा है, और मैं आपको फिर से बता दूँ, देखिए मैं भी कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा सा एनालिसिस कर सकता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको मोटिवेट करने के लिए ये बातें आपको बताता हूँ, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकें। क्योंकि देखिए, अगर आपको एग्जाम डेट का पता नहीं होता है तो तैयारी कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको कोई ना कोई एक्सपेक्टेड मंथ दे दूँ, आप उसको टारगेट बनाकर जो है अपनी तैयारी में लगे रहें, और कहीं कहीं जो आपको इससे फायदा मिल जाए। तो आप देखिए, अब जो आपका एक्सपेक्टेड मंथ है वो ग्रुप डी के लिए, वो आपका सितंबर को हम लोग मान सकते हैं। सितंबर में हो सकता है कि फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में कभी भी जो है आपका ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है।
और अगर एग्जाम भी यहाँ पर कंडक्ट नहीं होता है तो सितंबर में आपको एक ऑफिशियल न्यूज जरूर मिल जाएगी, यानी कि एग्जैक्ट डेट का आपको जरूर पता लग जाएगा। तो ये था हमारा छोटा सा एनालिसिस ग्रुप डी के एक्सपेक्टेड मंथ को लेकर। देखिए आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको अपनी तैयारी में जो है लगे रहना है। देखिए एग्जाम तो आपका डेफिनेटली कंडक्ट होगा, थोड़ा सा आपको जो है स्पीड को आप कम कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है स्टडी के टच में जरूर रहना है, डिमोटिवेट बिल्कुल ना हो और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप ऐसी वीडियोज देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें।